नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड टेक। दोस्तों ताज़ा रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने फिर से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC द्वारा NDA की रिक्रूटमेंट्स निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, उसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों आज इस पूरी रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और आपको आवेदन कैसे करना है और इसके लिए एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो पूरी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों हम हमारी कोशिश करते हैं कि हम आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी पूरी सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों UPSC रिक्रूटमेंट 2018 में आप NDA के लिए और NA के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी 2018 से 5 फरवरी 2018 तक आप शाम के 6 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो बात करते हैं कि पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले NDA की, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, जहाँ पर 360 पोस्ट है, और नवल अकेडमी की जिसमें 55 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है, कैंडिडेट एज शुड बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1999, यानी कि 2/7/1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, आप इसको प्लीज़ इसके हिसाब से, आप इस वैकेंसी के हिसाब से आप अपनी एज को कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपकी एज कितनी है और आप इस एज की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12th क्लास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं, 10+2 हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ PE फिजिकल and mathematics conducted by the state education board or a university। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं selection process की। तो selection process जो रहेगा, candidate are selected based on written examination and interview personal test। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपका written exam होगा, फिर उसके बाद होगा interview, उसके बाद होगा आपका personality test। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो रिक्वायर रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी थ्रू फॉलोइंग मोड, नॉट फीस फॉर फीमेल। यहाँ पर फीमेल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, SC ST कैंडिडेट्स के लिए पे बाय कैश मोड, SBI के द्वारा रहेगी यहाँ पर एप्लीकेशन रिक्वायर, पे बाय मोड, डिपॉजिट मनी ब्रांच। ठीक है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, नो फीस फॉर फीमेल एंड SC ST कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, और पेमेंट का जो मोड था वो SBI के ब्रांच के थ्रू है, चालान के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। और नेट बैंकिंग मोड जो रहेगा उसमें भी आप कर सकते हैं, SBI से बैंकिंग है, नेट बैंकिंग इसकी, ऑनलाइन मोड भी है, यहाँ पर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ में ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो हाउ टू अप्लाई में है, आपको वेबसाइट पर जाना है UPSC की, इसका लिंक मैंने आपको नीचे इस यहाँ आपको इस साइट पर नीचे मिल जाएगा। इस साइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल्स ले लीजिएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 फरवरी तक ये लास्ट डेट है इसकी और 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप आवेदन कर दीजिए इस फॉर्म के लिए और यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, आप इसको पढ़ के अच्छे से आराम से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और दोस्तों जाते हुए एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।